बर्फी मिठाई जगत का एक ऐसा नाम जिससे कि आप और हम अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बर्फी, कोई फेस्टिवल आ जाए तो बर्फी, किसी को बेस्ट विशेस देने जाना हो तो बर्फी। अगर ये बर्फी इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतनी टेस्टी बनती है, तो क्यों ना ये हमको भी बनानी आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर चटोरा आज फिर आया हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर जिसको कि हम हर ओकेजन पर मिस करते हैं, जिसका नाम है बर्फ़ी। अगर ये बर्फ़ी हम अपनी किचन में बनाना सीख गए तो हमें बाहर की बर्फ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो बर्फ़ी हम घर पर बनाएंगे, ये मार्केट से बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत टेस्टी होती है। हाँ, 19-20 का फ़र्क ज़रूर आएगा बाज़ार की और घर की बनी हुई बर्फ़ी में, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं आपको इसका कॉस्ट एनालिसिस दिखाऊंगा ना, तो आप खुद बोलेंगे कि ये बर्फ़ी हम घर पर ही बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलते हैं अपनी किचन की ओर और बना लेते हैं झटपट से इस बाज़ार वाली टेस्टी टेस्टी बर्फ़ी को। तो भैया, हम बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1/2 किलो मावा, 2 इलायची हमने ली है, उसको पीस कर पाउडर बना लिया है, और साथ ही साथ हमें चाहिए काजू बर्फ़ी में ऐड करने के लिए, और कुछ लिए हैं बादाम। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और 1/2 किलो मावे के साथ 1/2 किलो चीनी, और ग्रीस करने के लिए रिफाइंड ऑयल और या फिर आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देसी घी को मेल्ट करके अपना सबसे पहले प्लेट जो है इसको ग्रीस कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में जब बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार होगी तब हमें इसको ग्रीस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपनी जो कढ़ाई है जिसमें कि हम ये मिक्सचर बनाने वाले हैं बर्फ़ी को तैयार करने के लिए, उसको लो फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और फिर उसमें हम ऐड करेंगे मावा। और ये जो भी प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, ये हमको मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। मावे को इस तरह से थोड़ा सा थोड़ा सा तोड़ लेना है, जैसे जैसे हीट होता जाएगा और मेल्ट होने लगेगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो चीनी हमारी है इसको मीठा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मावे के लिए 1/2 किलो चीनी का यूज़ किया है। हीट हमारी थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही रहेगी। जैसे जैसे ये मिक्सचर हीट होता जाएगा, ये धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। इसको हमें अच्छे से चलाते रहना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी हमने इसको चलाना बंद किया तो ये क्या होगा कि नीचे से जलने लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉलिड मावा था अब ये भी धीरे धीरे मेल्ट हो गया, और इसमें से घी भी निकल रहा है, और ये जो चीनी थी ये भी मेल्ट होकर लिक्विड हो गई है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तो देखिएगा आप, ये बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें इसको ऐसे चलाते ही रहना है, हमें बीच में रुकना नहीं है, अगर रुकेंगे तो ये जो मिक्सचर है ये जलने लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे चलाते हुए, तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इसको देख के घबराना नहीं है, ये बिल्कुल जमेगा और बिल्कुल बर्फ़ी बनेगी इसकी। बस आपको करना क्या है, आपको इसको ऐसे ही चलाते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। देखिए कितना ये लिक्विडिफाई हो चुका है इस टाइम। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे कुछ काजू हमने लिए थे, उनको मैंने कूट लिया है, कूट के उनका थोड़ा पाउडर फॉर्म में उनको बना लिया है, और अब इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये जो बर्फ़ी है हम अपने घर के यूज़ के लिए बना रहे हैं, ये हमें बेचनी तो है नहीं। आप जो चाहे मेवे इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारी 2 इलायची थी जिसको हमने कूट कर पाउडर बना लिया था, अब उस इलायची को हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये बड़ी ही अच्छी खुशबू देता है हमारी बर्फ़ी को, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर इससे आता है। और फ्रेंड्स, घर में बर्फ़ी बनाने का जो सबसे बेनिफिट है आज के टाइम में, वो है ये पूरी तरह से हाइजीन है। बिल्कुल साफ़ सफाई से हम इसको घर में बना रहे हैं, बिल्कुल साफ़ बर्तन में इसको पका रहे हैं। और देखिए पकाते पकाते लगभग अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो जो ये मिक्सचर लिक्विडिफाई हुआ था अब ये धीरे धीरे गढ़ने लगा है, इसमें धीरे धीरे ऐसे उबाल जैसे आने लगेगा। लेकिन इसको कब तक पकाना है वो मैं आपको अभी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए।
तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके कॉस्ट एनालिसिस की। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये बर्फ़ी जो है मार्केट में लगभग 400 रुपये के जी तक मिलती है, बट अगर हम इसको अपने घर में बनाते हैं तो जैसे कि मैंने इसमें मटेरियल लिया है आधा किलो मावा, वो मुझे 150 रुपीज़ का मार्केट से मिला है, और इसमें मैं आधा किलो चीनी ऐड कर रहा हूँ जिसकी मार्केट वैल्यू है 30 रुपीज़। दोनों को ऐड कर देता तो 180 रुपीज़ में ये बन रही है, और अगर गैस और एक्सेट्रा इसमें खर्चा लगा लेता हूँ तो ये 200 मैक्सिमम 225 रुपीज़ पर केजी में मुझे घर पर तैयार हो जा रही है। तो क्यों ना हम इसको घर पर बनाएँ, और जबकि हम घर पर इसको बड़े ही अच्छे तरीके से और हाइजेनिक तरह से हम इसको बना रहे हैं, और टेस्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। और इसको पकाते पकाते अभी मुझे लगभग 14 से 15 मिनट हो चुके हैं, और देखिए फ्रेंड्स इसमें इस तरह से अगर एक तार आ रहा है और इस स्टेज पर आप इसको बाहर निकाल देंगे तो ये अच्छे से नहीं जमेगी, ये रबड़ी टाइप से हो जाएगी, ये सेट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स करना क्या है, आपको यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देना है और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटना है। मैं यहाँ पर वीडियो बीच में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको दिखा रहा हूँ, बट 3 से 4 मिनट तक आपको इसकी अच्छे से घुटाई करनी है। जब इसकी घुटाई अच्छे से हो जाएगी तो ये धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी, तो इस तरह से इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको दोबारा चेक करके बता रहा हूँ, इसमें तार नहीं बन रहा है, अभी जैसे मैंने इसको हाथ पे लिया है तो एकदम से ये सेट होने लग रही है। तो बस यही स्टेज है जिसमें कि आपको इस बर्फ़ी को अपने ग्रीस किए हुए ट्रे में निकाल लेना है, और इसकी घुटाई जो है वो हमें कंटिन्यू करते रहना है, हमें बीच में रुकना नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे जैसे सेट होने लगे तुरंत हमें इसको ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल लेना है, क्योंकि अगर एक बार एक कढ़ाई में सेट हो गई तो फिर इसको हमें थाली में या प्लेट में जिसमें आप जमा रहे हैं इसको उसमें निकालना भारी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई भी एकदम बिल्कुल ऐसे साफ़ हो गई जैसे अभी मैंने इसको सिंक में साफ़ किया हो। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो ये जो मेरी बर्फ़ी है ये बनकर रेडी हो चुकी है, और इसको मैंने एक ट्रे में भी निकाल लिया है, बट मेरा जो ये ट्रे है इसमें इसने पूरा इसको कवर नहीं किया, तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा पीटते पीटते थोड़ा सा वाइब्रेट करते हुए हमें ये जो मिक्सचर है पूरी थाली में फैला लेना है। और मुझे लगता है कि शायद मैंने यहाँ पर आधा मिनट एक्स्ट्रा पकाया है, आप इसको आधा मिनट कम करके पकाइएगा। और ये लगभग जो ट्रे है जो प्लेट है इसमें ये कवर कर चुकी है, और अब हम इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। अगर आपने ये अच्छे से पकाई है तो ये सेट होने के लिए मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा लेगी, और देखिए सेट हो चुकी है, लगभग 1 घंटा हो चुका है इसको। इसको पूरी तरह सेट होने से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि जब ये पूरी तरह से जम जाएगी तो तब शायद कटने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हमें होगी। अभी क्या है, अभी ये सॉफ्ट है, थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में है, तो हमें काटने में बड़ा ही ईजी रहेगा। इसके हम अभी कटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम इस ट्रे से इस बर्फ़ी को निकालेंगे तो इसके जो इक्वल पीस में ये बर्फ़ी हमें निकल जाएगी, और कहीं से टूटे फूटेगी नहीं, बड़ी ईजीली इसकी कटिंग हो जा रही है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जब हम इसकी क्वालिटी चेक कर रहे थे, जब हम इसको पका रहे थे कि ये सही से पकी है कि नहीं पकी है, उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप इसको सेफली चेक कीजिएगा कहीं आपका हाथ ना जल जाए। और देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए और रख देता हूँ ताकि जो ये बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। अभी 1 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स इस बर्फ़ी को कटिंग करने के बाद, आइए देख लेते हैं किस तरह की ये बर्फ़ी जमी है। अरे वाह मज़ा आ गया, ये देखिए बर्फ़ी एकदम मस्त जमी है, बिल्कुल सेट हो चुकी है ये। अब हम इसको इस प्लेट से निकाल लेते हैं। तो एक साफ पेपर मैंने लिया है जिस पर मैं इस बर्फ़ी को निकालने वाला हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स इसको उल्टा करके मारता हूँ अच्छे से, इसको इक्वली हमें मारना है, क्या ये बर्फ़ी पूरी निकल पाएगी देखते हैं। और प्लेट को उठाते हैं, अरे नहीं ये नहीं निकली है, बट अच्छी बात है
कि ये कहीं से टूटी नहीं है, क्योंकि हमने पहले से इसकी कटिंग कर ली थी। अगर हमारी ये कटिंग ना होती तो शायद ये अनइवनली कहीं से भी टूट सकती थी। और देखिए इसने सरफेस को भी छोड़ दिया है पटकने की वजह से। तो अब हम इसको वन बाय वन करके इसके जो सभी पीसीज हैं बर्फ़ी के वो निकाल लेंगे। हम वन बाय वन करके सारे पीसीज को निकाल के एक अलग से प्लेट में रख लेंगे। ये बिल्कुल साफ़ सफाई से हम इसको घर में बना रहे हैं इस बर्फ़ी को। मैं चाहूँगा कि आप सब भी इस वीडियो को देखकर अपने घर में इस बर्फ़ी को ट्राई कीजिएगा। जब हमने इस प्लेट को उल्टा करके पटका था तो तब हमें पहले इसको थोड़ा सा हीट कर लेना चाहिए था, ताकि जो घी हमने इस पर अप्लाई किया था बर्फ़ी जमाने से पहले वो शायद से जम गया था, और उस वजह से हमारी बर्फ़ी इक्वली नहीं निकल पाई थी। तो आप भी थोड़ा सा हीट कर लीजिएगा, आपकी बर्फ़ी इजीली निकल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन बर्फ़ी को हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। जब भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं या हम किसी को सर्व करते हैं तो हमें एक अच्छे प्रॉपर वे में इसको सर्व करना चाहिए। बादाम की जो कटिंग्स है वो हमने इस पर अप्लाई कर दिए। देखिए देखने में बड़ी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बड़ी टेस्टी है। तो देखा फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी को अपनी किचन में बनाना कितना इजी था। मैंने इसको ट्राई किया, मेरे घर में अक्सर बनती रहती है तो आई नो द प्रोसेस, और सोचा कि आप सभी के साथ भी इसको शेयर करूं। और आप भी ऑलमोस्ट सीख चुके होंगे अब इसको कि कैसे बर्फ़ी हमें अपनी किचन में बनानी है। छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने कि इस वीडियो में आपको बता दी हैं। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बर्फ़ी को बनाएंगे तो आपकी रेसिपी जो है वाकई लाजवाब बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बर्फ़ी को अपनी किचन में, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली रेसिपी के साथ अपनी अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।